वेलकम टू अनदर हॉन्टेड प्लेस। और आज हम एक स्कूल के अंदर आए, उस स्कूल का हम नाम नहीं बता सकते क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस। और अच्छा, इस स्कूल की ख़ासियत ये है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे जो है कुछ ऐसे पुरअसरार वाक़यात हो चुके हैं। पुरअसरार से रिलेटेड जो कहानी है वो अयाज आज मेरे साथ है, इसके पास एक हिडन स्टोरी है, वो बताएगा। बताओ अयाज जी। फाद भाई, मैं यहाँ पे पतंग लड़ाता था, बहुत शौक है पतंगबाजी का। कितने अरसे पुरानी बात है ये? तकरीबन 5 साल पुरानी बात है। सही है, अब तो तुम छोटे ही बच्चे हो गए। हाँ, पतंगबाजी का बहुत शौक था। सही है। तो यहाँ पे ये तो फिलहाल स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ पे पतंगिया के गिरती थी, मैं उठाने के लिए आता था। सही है। तो एक दिन मेरे दोस्त पतंग उड़ा रहे थे, मैंने भी यहाँ से पतंग छोड़ दिया, तो उस पेच को लड़ाते लड़ाते मेरे को यहाँ पे मगरिब हो गई। सही है। फिर मैं भाई जैसे ही पतंग उतारने वाला था तो अचानक मैं ये खिड़कियाँ ये अभी चेंज कर लिए, इससे पहले लकड़ी की खिड़कियाँ थी, अभी ये लोहे के लगवा दिए, ये रहा ये बराबर में भी लगवा दिए लोहे के। सही है। तो ये एकदम आवाज करना शुरू हो गए भाई, मैं पतंग वतंग सब कुछ छोड़ के मैं 1, 2, 3, 4 हो गया। यहाँ से कल्टीशाह का नारा लगा दिया। मैंने बोला भाई स्कूल में कोई है नहीं, ये हादसा कैसे हुआ? फिर मैं चला गया। जब मैं गया, चौकीदार कल आया, तो मैंने चौकीदार से पूछा कि भाई मेरे साथ कल ऐसा यहाँ पे एक हादसा हुआ है। तो उसने बोले कि आप बेटे, आप मगरिब से पहले यहाँ से निकलो। सही है। मगरिब से हवा से तो नहीं बज रही थी? नहीं, हवा थी नहीं। सही। चौकीदार क्या बोल रहा था? चौकीदार बोल रहा था कि आप इस जगह पे जैसे ही मगरिब में आधा घंटा रह गए यहाँ से निकलो। सही है। कहते हम खुद ही नहीं जाते। सही है। अच्छा, ये तो इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी थी जो अयाज ने मुझे बताई कि ये इससे रिलेट करती है। पुरअसरार से सीन ये है यहाँ का ना। और इस स्कूल का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो ये है कि इसकी बैकयार्ड के अंदर एक ज़माने पहले, करीब लेके आओ, साथ चलते हुए बताते हैं, बैकयार्ड के अंदर जो है एक शमशान घाट हुआ करता था। और ये तकरीबन 90s 80s की बात है, ऐसा ही है? जी 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 जी। इसने मुझे बताया कि इसके दादा परदादा के ज़माने की बात है। और अब तो इस जगह पे जो है ये वॉशरूम्स बना दिए हैं और ये जो जगह अभी भी कच्ची पड़ी हुई है। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, रोशनी बहुत हमारी जो है मरी है, सिर्फ यहाँ पे जो है ये झाड़ हैं और पीछे मलबा वगैरह पड़ा हुआ है। ये कुआँ है, बहुत गहरा है ये, हमारी शायद रोशनी जा भी नहीं रही। नहीं फेंको बेटा, अंदर कोई हुआ ना उसको लग गया। शाबाश, गुड। हाँ, तो ये एक लोकेशन है, कब्रिस्तान बोल रहा हूँ सॉरी, शमशान घाट हुआ करता था। और जो शमशान घाट होते हैं वहाँ पे इस तरह के मामलात जो हैं बसे रहते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं। और एक ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप लोगों को ही पता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है डे टाइम में होते हैं सारे, उसके बाद जो है सब बंद हो जाता है। और ये एक छोटा सा कमरा है और ये टैंक है, टैंक नहीं, शमशान घाट की लकड़ियां वगैरह पड़ी होती थी यहाँ इसके अंदर। हाँ, रिपेयर कर दिया इसको। अच्छा जी, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट। और इस स्कूल का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इसी वजह से ये है कि यार यहाँ पे शमशान घाट है, इसने मुझे बताया, तो मैंने बोला यहाँ की एग्जीक्यूशन तो बनती है और एक इनकाउंटर फेज हो चुका है और हॉन्टेड भी है। तो ये पूरा एरिया स्कूल के अंदर ही था। आप लोग इमेजिन करें कि यार स्कूल के अंदर कैसे हो सकता है, ये पूरा एरिया है। इसकी पहले ब्राइटनेस नहीं थी तो लाइट की मुझे दोबारा शॉट बनाना पड़ा है। तो ये वो जगह है और शमशान घाट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे वैसी इस तरह के मामलात होते हैं, जिन्नात से रिलेटेड और क्या कहते हैं, भारी मामलात जिसे बोलते हैं ना, हैवी मामलात। और ये वो खिड़कियाँ थी जो अयाज ने बताई थी कि ये तो अब वेल्ड हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे पहले जो है लकड़ी की खिड़कियाँ थी। तो आपको भी नजर आ रहा है, नई खिड़कियां हो गई है। और ये आया, ये है वो दीवार जो तुम अभी बता रहे थे। हाँ, ये दीवार नहीं था, ये दीवार नहीं था पहले। आपके सामने आपको नजर तो आ रहे हैं, देख लो, नहीं दीवार कुछ भी नहीं था। ये देखो, ये बहुत पुराने दीवार है, ये वाली, ये कुछ नजर आ रहे है। हाँ, ये देखो बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, जैसे कि पुराने जमाने में होते थे ना, पुराना स्ट्रक्चर।
चलो आओ यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो गया, और एक अजीब सा ही एक इनकाउंटर हुआ था। वो इनकाउंटर कुछ इस तरह से था कि हम लोग जो है इस जगह की स्टोरी मतलब वीडियो बनाने के इरादे से नहीं आए थे। मैंने सोचा था कि इंस्टाग्राम की सिर्फ एक ही स्टोरी बना दूंगा। तो स्टोरी बनाते बनाते मैंने एक जगह पे देखा कि यार ये तो वॉशरूम्स हैं, ये वॉश ये बना दिए, सही ये है, कुछ भी नहीं था पहले, सही है, ये बस नहीं बता सकता हूँ, ये सबसे बारी जगह यही है, ये हाँ यही है सबसे बारी जगह यही है, ये रहा ये अभी गेट है, ये बंद है, करीब में नहीं जाता था, सही है, ये मतलब अगर अकेला बंदा आ जाए गारंटी से बोल रहा हूँ वो ऐसे ही मर जाता। अयाज इसके बैक साइड पे चलें। हाँ चलो। अच्छा, इसकी बैक साइड पे जो है बड़ी कच्ची जगह है, जाओ जाओ जाओ। बिल्कुल मतलब कचरा पड़ा हुआ है, और मतलब ये कचरा इस तरह का चलना मुनासिब भी नहीं लग रहा मुझे ना, और पीछे से जो है ये वेंटिलेशन के लिए जगह खोली है। ये इसका है, ये जो शमशान घाट को जो मुर्दे वुर्दे को जो जला वला देते थे, फिर उसको बह के इजी निकाल लेते थे। अच्छा हाँ, और ये सामने सारा कचरा, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। लाइट हमारी आज बहुत ज़्यादा वीक हुई है, जिस वजह से एक परेशानी हो रही है हमें, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसका इंटरेस्टिंग पार्ट वो ये था कि एक सस्पेंस वाली जगह थी। हम लोग यहाँ से इंस्टाग्राम की स्टोरी बना के निकल रहे थे, जस्ट मैंने सोचा था कि ये जो है मंडे ट्यूसडे को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन इसमें एक अजीब सा इनकाउंटर हुआ। वो इनकाउंटर कुछ इस तरह का था कि यहाँ से ये जो क्लासेस जा रही हैं, ये रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा। तो अयाज और मैं बहस कर रहे थे, अयाज हुआ क्या था कि इसकी लॉबी का पंखा चल रहा था, और इस लॉबी का ना पंखा चल रहा है, मतलब ये रहा, ये पंखा आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, ये चल रहा है। तो अयाज, फाइज और मैं बहस कर रहे थे, तो बहस ये चल रही थी कि पहले इसके सारे दरवाजे चेक करें हमने, इसके सारे दरवाजे लॉक हैं, चेक तो करो, करवाते पहले स्टोरी बता दें, सारे दरवाजे लॉक हैं, अंदर कोई लाइट नहीं चल रही, क्लासेस में कोई लाइट नहीं है, यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। दूसरी बात ये कि देखो, लाइट होती है, लाइट बंदा खोल के चले जाता है, सही है, वो तो होता है, लेकिन कोई भी पंखा ऐसे खुले छोड़ के नहीं जाता, भले लाइट हो या नहीं हो, सबको पता है लाइट आएगी तो पंखा ऑलरेडी खुला हो। ये सारे लॉक हैं दरवाजे, ये ताला अंदर से दिखाओ, ये अंदर से लगाया हुआ है भाई, ये सब चौकीदार का काम है, चौकीदार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि एक लाइट, एक पंखा, एक ताला खुला नहीं छोड़े, सही है, सही है। तो आज ये पंखा इसलिए खुला है, चौकीदार को भी पता नहीं है, सही है, सही है। तो चौकीदार सब बंद करता है, सब ऑफ करके यहाँ से निकलता है, सही है। तो मैंने फाइज भाई को भी यही बताया कि भाई इस जगह का आप मजाक नहीं उड़ाओ, मैंने ये जगह भारी है, हाँ बहुत ज्यादा भारी है। एक तो होते हैं ना कम भारी, तो बंदा आसी मजाक कर लेते हैं, यहाँ पे तो आसी मजाक भी नहीं कर सकते मेरे भाई। ये आपने वाकया देखा जो मेरे साथ हुआ है ना, मेरे को आज तक वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है भूल चुक हो जाती है कि पंखा रह गया, एक बटन रह गया, क्योंकि लाइट वाइट बंद है, एक बटन रह भी सकता है। अच्छा एक मिनट, हम लोग ये सारी बहस कर रहे हैं, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये आपको सामने लाइट दिख रही होगी, ये चौकीदारों के कमरे हैं, सही है, और ये चौकीदारों के कमरे हैं। तो चौकीदार सब चीज़ें हमेशा मगरिब के बाद भी चेक करते हैं और घूमते रहते हैं, तो ये चीज़ तो जब हम लोगों को पता चल चुकी है, तो उस चौकीदार को भी पता ही होगी कि यार ये पंखा खुला हुआ है, इसको मैं बंद कर दूं। ये एक बड़ा मतलब अजीब सा ही इनकाउंटर है, ये फाइस पकड़ना। ये इनकाउंटर इस तरह का है कि अयाज हमें सारी बातें बता रहा था, और जब ये बहस चल रही थी ना, तो अयाज की बातों से ना थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यार सीरियस हो जाओ, वरना हम लोग जो है थोड़ा हंसी मजाक के मूड में भी थे। अच्छा, इस लोकेशन का दूसरा पार्ट आएगा, उसकी वजह ये, सब तरफ से स्कूल पूरा लॉक्ड है, और उसका पार्ट जो है मंडे या ट्यूसडे को आएगा। इसके लॉक तो दिखा दो, सारे लॉक, हाँ ये सारे दरवाजे आ जाएं, ये सारे दरवाजे लॉक हैं, ये ताला है अंदर, बाहर ये बाहर से कुंडी है, ऊपर भी ताला है, अंदर से लॉक है, ऊपर भी ताला है, ये ऊपर भी ताला है, और लाइट भी हमारी बहुत एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। एक ये ताला है,
ये ताला पुराने ज़माने के ताले लगे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई जब पुराने स्कूल में आओगे तो पुराने ही लगेंगे ना। तो वीडियो को यहाँ तक आप देखें और अपनी जजमेंट पास करें कमेंट सेक्शन में, मुझे बताएं कि ये पंखे खुलने वाला जो इनकाउंटर है ये वाकई में वियर्ड है या हो सकता है किसी की भूल चूक हो गई हो। मतलब मेरा कॉमन सेंस बोलता है कि यार किसी की भूल चूक नहीं है, क्योंकि जब चौकीदार स्कूल ऑफ होता है एक दो बजे के करीब, तो चौकीदार लाजमी सी बात है राउंड लगाता है। ये पूरे स्कूल है ये देख लो आप। और ये स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, जब सेकंड पार्ट आएगा हमें चाबी मिल जाएंगी इसकी, पूरी एग्जीक्यूशन होगी अच्छी तरीके से। आपको कोई भी करेंगे बता दिया मैंने। आपको कोई लाइट या कोई पेन खुला हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा तो नहीं दिखा। और एक मतलब हम लोग निकल रहे थे यहाँ से स्टोरी बना के ना इंस्टाग्राम की, तो जब वो फैन खुला हुआ देखा ना तो मैंने बोला दादा अब तो वीडियो बनाना बनती है ताकि लोगों को ये इनकाउंटर दिखे। और जब ये पंखे वाली बात चल रही थी ना तो मुसलसल मतलब ये दोनों तो बहस कर रहे थे हम तीनों, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट हो रही है कोई आसपास इर्द गिर्द किसी ने घूमने चक्कर काटने शुरू कर दिए। तो ये हमारा जो है एक्सपीरियंस था। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।